लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जरूरी अपील की। अखिलेश ने बीजेपी और मीडिया की बातों में बहकावे में आए बिना सजग, सतर्क, सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने सिपाहियों से मनोबल तोड़ने के साथ ही काउंटिंग में घपला और घोटाला करने को लेकर चौकन्ना रहने की भी बात कही है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा, प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आज आपसे एक बेहद ज़रूरी अपील कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होते और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में ना आइएगा। अखिलेश ने आगे लिखा, दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि कल शाम को चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर ये कहलवाना शुरू करेंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई है, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठेगा कि भाजपा को 2 से 3 दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय ना रहें, जिसका फायदा उठाते हुए भाजपा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। ध्यान रहे, जो भाजपाई चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कोर्ट द्वारा लगवाए गए कैमरे के सामने धांधली करने का बेशर्म दुस्साहस कर सकते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला घोटाला करने के लिए उतारू हो सकते हैं। इसीलिए ये सजगता जरूरी है। इसलिए आप लोगों से ये विशेष अपील है कि आप लोग किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आएं और पूरी तरीके से चौकन्ना रहते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहें और जीत के अपने मूल मंत्र मतदान भी सावधान भी को याद रखते हुए जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्सव मनाएं। बता दें कि शनिवार को यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है। सभी 13 सीटें पूर्वांचल की है, जहां एनडीए और इंडिया की लड़ाई कांटे की है। इस बीच अखिलेश का संदेश कार्यकर्ताओं को सजग जरूर करेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।